में हम सब देखे थे कुछ वर्ड्स जो कि आपका रिलेटेड था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और स्पेशली रिलेटेड टू पर्संस, वो आदमियों से रिलेटेड कुछ वर्ड्स था, उन सबको हम लोगों ने देखा था, और उसके ऊपर हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किए थे, समझे थे। तो आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लर्नर्स पॉइंट, और आज शुरू करते हैं उन सारे वर्ड्स का एक रिविजन के साथ, आगे क्या क्या और सारे वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और इन्जॉय करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने पीछे की क्लास में देखा था, पीछे की क्लास में हम लोग लगभग 19 वर्ड्स को देखे थे, और ये 19 वर्ड्स कौन कौन सा था एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं। तो पहला था एथिस्ट, पहला क्या था एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब है, एथिस्ट का मतलब क्या था, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो व्यक्ति जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसे हम लोग एथिस्ट बोले थे। दूसरा वर्ड था आपका थीस्ट, थीस्ट का मतलब है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वो व्यक्ति जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है, मतलब एक दूसरे के वो सिनोनिम एंटोनिम्स है, ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग देने वाले हैं। नेक्स्ट आपका एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक वर्ड्स का क्या मतलब था, इसका मतलब था वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, वो व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर विश्वास नहीं करता है, संयमवादी से बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट हम लोग देखे थे बायगैमी, बायगैमी इज रिलेटेड टू द पॉइंट वाइव्स, और यहाँ पे बायगैमी का क्या मतलब था कि वन हु हैज टू वाइव्स, ये सारे हम लोग पीछे क्लासेस में देखा था। आगे क्या था पॉलीगैमी, पॉलीगैमिस्ट, या इस दोनों का मतलब क्या था, अ पर्सन हु हैज सेवरल वाइव्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक से ज्यादा पत्नी, ठीक है, वाइव्स। तो ये तो हम लोग लास्ट क्लास में पांच और देखे थे, क्या बाय एंड्री अ वुमन हु हैज टू हस्बैंड्स, ये भी हम लोगों ने देख रखा था, पॉली एंड्री अ वुमन हु हैज मेनी हस्बैंड्स, इसे हम लोगों ने देखा था कि वो व्यक्ति वो वुमन जिसके मेनी हस्बैंड्स हो उसे हम लोग क्या बोले थे पॉली एंड्री। फिर था फिलेंथ्रोपिस्ट और अल्ट्रुइस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड, उसे हम लोग क्या बोले थे फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। चलिए फिर आगे है मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोफ, इसका मतलब था वन हु डज नॉट लव मैनकाइंड, वो व्यक्ति जो मैनकाइंड को पसंद नहीं करता है, और हम वहां पे कुछ प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग भी आपसे बात किए थे। उसके बाद है फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट वन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन, वो व्यक्ति जो विमेन्स को एडमायर करे, ठीक है, लाइक करे, उसे हम लोग क्या बोलते थे फिलोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट जो डिसलाइक करे, हेट्स करे, और फिर क्या था मिसोगैमिस्ट वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वो व्यक्ति शादी के इंस्टीट्यूशन को हेट करे, शादी की जो संस्था है, शादी की जो परंपरा है उसी को वो ना माने, उसे हम लोग क्या बोलते थे मिसोगैमिस्ट। ये 12 था। और आगे कोकेट, अ गर्ल और वुमन हु फ्लर्ट्स विद मैन, वो व्यक्ति जो वो महिला जो पुरुषों के साथ क्या करता है फ्लर्ट करती है, उसे हम लोग बोले थे कोकेट। फिर एफेमिनेट, अ मैन हु इज वुमेनिज इन नेचर, उसके बारे में लोग बात किए थे। फिर फेमिनिस्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करे, उसे हम फेमिनिस्ट बोले थे। दोनों वर्ड पे आपको खासा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उक्जूरियस, वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, उसे हम लोग बोले थे उक्जूरियस, जो अपने पत्नी का मतलब काफी ज्यादा चाहता हो उसे हम लोग उक्जूरियस बोले थे। फिर था हैंडपैक्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने पत्नी के कहे घुमाने उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करे, उसे हम लोग क्या बोले थे हैंडपैक्ड। फिर हम लोगों ने बात किया था जेंथीफ के बारे में, जेंथीफे क्या था अस्कॉल्डिंग और इल टेम्पर्ड वाइफ, एकदम खड़ूस वाइफ, हमेशा गुस्से में रहने वाली वाइफ, ठीक है, तो उसके बारे में बात की थी। फिर डेंगलर, तो ये सारे हम लोग प्रीवियस सेशन में देख लिए थे, प्रीवियस चैप्टर में देख लिए थे। तो आज का जो है इससे आगे के बारे में बात करते हैं और लेते हैं आज का मजा और सीखते हैं बहुत सारे नए नए वर्ड्स के बारे में। तो क्वेश्चन आपका जो नया वर्ड है 20 नंबर वर्ड है वो क्या है आपका लिबर्टाइन या फिर लेचर, क्या है लेचर। यहाँ पे र का जो साउंड है वो थोड़ा सा आपको कम प्रोनाउंस करना है, कम बोलना है, लेचर, ठीक है। लिबर्टाइन ये कौन होता है, ये किस तरह का पर्सन होता है, तो अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, वो व्यक्ति जो इस लाइफ में ना मोरालिटी के साथ नहीं रहता है, उसकी कोई पर्पस ना हो, एकदम गंदे तरीके से रहता है, कुछ भी कर देता है, तो उसे आप क्या बोल सकेंगे लेजर पर्सन,
ठीक समझे, मतलब उसका अपना कुछ भी इज्जत नहीं होता, जिसे बोलेंगे कि बिना इज्जत वाला व्यक्ति, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मोरालिटी नहीं हो, किसी को भी कुछ भी बोल दे, दैट इज नेचर। फिर एस्टेराइल, एस्टेराइल कौन होता है, ये एक्चुअली एक एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं, और ये हमारे एनिमल के लिए, पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है, और इसका मतलब है कि वन हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस यंग और चाइल्ड, वो व्यक्ति या फिर वो एनिमल जो एक नए शिशु को प्रोड्यूस ना कर सके, स्पेशली ये रिलेटेड होता है विमेन से, ठीक है, तो वो विमेन या फिर वैसे एनिमल्स जो अपने यंग अपने बच्चे का जन्म ना दे पाए, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेराइल। हाँ एक्चुअली इसके लिए यदि हिंदी में बात करें तो जिसे हम लोग बोलते हैं कि एक वर्ड आता है बांझ, ऐसे ही वर्ड आता है, तो ये इस वर्ड का मतलब वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अमेच्योर, अमेच्योर क्या होता है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो काम तो करता है लेकिन वो एज ए प्रोफेशन काम नहीं करता है, बस अपने खुशी के लिए काम करता है, ठीक है। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब वो व्यक्ति जो अपना काम तो करता है लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं करता है, बल्कि वो अपनी खुशी के लिए करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई आप टीचर को देख ले, वो बोलता है कि हम पढ़ाते हैं लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे बच्चों के साथ रहना पढ़ाना मजा आता है, तो दैट पर्सन इज डूइंग देयर जॉब फॉर ओनली प्लेजर, सो वी विल से दैट पर्सन अमेच्योर, ठीक है, उस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे, अमेच्योर कहेंगे। नेक्स्ट है एम्बिडेक्स्ट्रस, यहाँ पे जरा देखिए इस वर्ड को दो भागों में बांटते हैं, तो एक भाग बढ़ता है एम्बी और दूसरा भाग बनता है आपके पास डेक्स्ट्रस, तो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो अपने हाथों का यूज करे अपने कामों के लिए, ठीक है, वो व्यक्ति जो अपने हाथों का यूज करे कामों के लिए, उसे बोलेंगे हम लोग डेक्स्ट्रस। अब इसी में आया है एमबी, और एमबी का मतलब होता है दोनों, एमबी का मतलब होता है दोनों, तो वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एकदम परफेक्शन के साथ वर्क कर सकता है, दैट मीन्स यदि आप लर्न मतलब ध्यान कर सके, एक मूवी थ्री इडियट्स जो मूवी है, उसमें एक जो टीचर रहता है वो दोनों हाथों से लिखता है और बड़े कंफर्टेबल तरीके से लिखता है, तो दैट पर्सन इज एम्बिडेक्स्ट्रस बिकॉज ही यूज्ड हिज बोथ हैंड्स विथ ईज, बड़े इजी तरीके से दोनों हाथ से वो लिखते चलता फटाफट, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एम्बिडेक्स्ट्रस। ऐसे कुछ बॉलर्स होते हैं जो राइट हैंड से भी बॉलिंग कर लेता है और लेफ्ट हैंड से भी सेम पेस में और अच्छे तरीके से बॉलिंग कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे, एम्बिडेक्स्ट्रस, वेरी गुड नाइस। उसके बाद है एनार्किस्ट, एनार्किस्ट क्या होता है, एनार्किस्ट कौन से पर्सन होता है, तो वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर, वो व्यक्ति जो सरकार की बातों को खंडन करे, उसके बातों का वो माने नहीं, ठीक है, हमेशा उसके रूल्स में लूपहोल्स निकाले, उससे बियॉन्ड रहने की कोशिश करे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एनार्किस्ट। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छी सरकार चलाने के लिए इन सारे लोगों का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि यदि एक गाड़ी जिसका ड्राइवर ही गंदा हो, जिसका ड्राइवर नॉनसेंस से भरा हो, तो वो उस गाड़ी को कहीं पर भी जाकर के गिरा सकता है, उस गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन यदि उसी के बगल में को पायलट जो कि बड़ा सिंसियर तरीके से उसको गाइड करते रहे, उसको हर बार बताते रहे, तो वो ड्राइवर एक्चुअली परफेक्ट भी था, अच्छा से वो चला सकता था, और साथ में को पायलट उसको सपोर्ट किया, उसको गाइड करते रहा, तो वो काम बड़ा अच्छा से हो पाया। इसीलिए इन सारे लोगों का भी आई थिंक होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि एक सरकार जो मनमर्जी का काम कर सकता है उसको ये कंट्रोल करता है, तो एनार्किस्ट का मतलब क्या हुआ, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर, बट यदि वो गंदे तरीके से सारे रूल्स को बार बार खंडन करते चले, तोड़ते चले, सरकार बोल रही है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, वो भी वो पालन ना करे, तो उस तरह के एनार्किस्ट को थोड़ा सा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे सरकार के लिए बेहतर नहीं है। आगे देखें तो अपोस्टेट, अपोस्टेट क्या होता है, अ पर्सन हु हैज गिवन अप हिज रिलीजन और लेफ्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, वो व्यक्ति जो अपने धर्म को छोड़ दे
और या फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दे और दूसरी जगह चले जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे अपोस्टेट। दैट मीन्स कि उसका कोई अपना बात पे अड़िग रहना, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, वो कुछ भी बोला कुछ भी हो गया। या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब वर्ड में बिना पेंदी का लोटा, उसको देखिए कहीं भी रखिए ना, इधर लुढ़क जाएगा, उधर लुढ़क जाएगा, उधर लुढ़क जाएगा, मतलब एक चीज पे वो कंसंट्रेट नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे, अपोस्टेट। दूसरे वर्ड में देखें तो इसे बोल सकते हैं आप हम लोग रिनेगेड। क्या बोलेंगे, रिनेगेड। इसका मतलब भी सेम है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आगे बारे में बात करते हैं, तो आगे है आर्बिट्रेटर। क्या है, आर्बिट्रेटर, बोलिए आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मीन्स अ पर्सन हु अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। वो व्यक्ति जिसे दो अलग अलग पार्टी क्या करा हुआ है, हायर किया हुआ है एक दूसरे के बीच का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने के लिए, उसी को बोलेंगे हम लोग आर्बिट्रेटर। जो मध्यस्थता करवाता हो दोनों लोगों के बीच के झगड़े को, क्या करवाता है, शांत करवाता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेटर। ठीक है, चलिए जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखने की कोशिश करें तो अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है उसमें पूरे वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया को एज एन आर्बिट्रेटर यूज का मतलब वर्क करना चाहिए, इन दोनों बीच के जो वार है उसके बीच का सुलहनामा करवा सके। तो आप इंडिया को एज एन आर्बिट्रेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन दोनों पार्टीज के बीच में ये सुलहनामा कर सकता है। फिर है एसेटिक। क्या है, एसेटिक। एसेटिक क्या होता है, वो व्यक्ति जो इस दुनिया के जो प्लेजर है, जो खुशी है, उन सबसे बियॉन्ड रहना पसंद करता हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे उसका कोई भावना ना हो कि मुझे प्लेजर में रहना है, मुझे इसमें रहना है, मुझे उसमें रहना है, इन सब के अलावे छोड़ करके वो जंगलों में रहना पसंद करते हों, ठीक है, पहाड़ियों पे आराम से बिना मतलब बहुत ज़्यादा सुख सुविधा का कुछ कपड़े पहन करके, तो उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, ऑस्टियर। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है साधु, साधु लोग जो आप लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है, जंगलों में, ठीक है, या फिर पहाड़ों पे पूरा करके क्या करते हैं, अपने तपस्या में विलीन रहते हैं, उसे लंबोर्गिनी में घूमने का, मर्सिडीज में घूमने का, बड़े बड़े घरों में रहने का कोई मतलब नहीं रहता है, वो बस उसी लाइफ को इंजॉय कर रहे होते हैं, तो उन सारे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, एसेटिक। इसलिए यहाँ पे लिखा गया ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर लाइफ होता है कि एक ऐसी जिंदगी जो आपके कंफर्टेबल चीजों से बियॉन्ड हो, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फैन एसी इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, आप आराम से इस पूरे स्काई के नीचे, इस बड़े से धरती के ऊपर आराम से आप लेटे हैं, कोई मतलब नहीं। बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, वो व्यक्ति, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, वो व्यक्ति जो अपने डेट्स को पे ना कर पाए, अपने कर्ज को ना चुका पाए, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। ओके, आप अपने आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे दोस्त को, ऐसे लोगों को देखे होंगे जो कर्ज के कारण अपने घर को, अपने गाड़ी को बेच देते हैं, क्योंकि वे लोग अपने कर्ज को चुका नहीं पाते हैं इसलिए। तो उस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, उस तरह के व्यक्ति को आप बोलेंगे इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। स्पेलिंग आप बोलते चलिए, लिखते चलिए, यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। आप स्पेलिंग लिखिएगा, क्योंकि आपके स्पेलिंग टेस्ट भी लिया जाता है और उस जगह पे शायद हो सके कि यही वाला स्पेलिंग दे दे। तो इन सारी चीज़ों को आप दरकिनार मत कीजिए, छोटे छोटे चीज़ ज़रूर है लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सारी चीज़ों पे खासा फोकस रखना है। आप चाहे कहीं पे भी पढ़े हैं या फिर कोई बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ चीज़ को पढ़ रहे हो या किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ चीज़ को पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसके स्पेलिंग के चीज़ों को ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आप छोटा सोच रहे हैं वही चीज़ आपके स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लिया जाए और वहाँ पे आप गलत कर दें। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार मुझे 12th का स्पेलिंग पूछ लिया गया था एग्ज़ाम में और वहाँ पे काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन में हम फंस गए थे कि 12th का स्पेलिंग क्या होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि 12th का स्पेलिंग क्या होगा, क्या उसका सही स्पेलिंग है, 20th का स्पेलिंग क्या होगा, ट्यूशन का स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो स्पेलिंग आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आप उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा बैंकरप्ट। आगे है बायगॉट और फैनेटिक। बायगॉट और फैनेटिक,
one who is filled with excessive enthusiasm in religious matters. आप इसी को अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कट्टर. आप बोलते हैं ना कि वो एकदम कट्टर, इस धर्म से रिलेटेड है, वो धर्म से रिलेटेड है, और भी कट्टर आप वर्ड यूज करते हैं. वही कट्टर का स्पेलिंग आप क्या यूज करेंगे, बायगॉट, फैनेटिक. मतलब वो व्यक्ति जो अपने धर्म को लेकर के काफी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से या एकदम डीप तरीके से घुसा हुआ हो, वो उसी चीज को एकदम परफेक्ट मानता हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, बायगॉट और फैनेटिक. इसके आगे है बोहेमियन. क्या है बोहेमियन? अ पर्सन हु इज लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल स्टाइल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वे मोस्ट पीपल लिव. वो व्यक्ति बोहेमियन वो व्यक्ति होता है जो बाकी लोगों के जैसे लाइफ ना जी करके अलग जीने की कोशिश करता है. वेरी इनफॉर्मल स्टाइल, ध्यान रहे कि उसका स्टाइल इनफॉर्मल होता है, एकदम लुनेटिक होता है. उसको बोला जाए कि इन चीज का पालन करो, कपड़े ऐसे पहनो, इस तरीके से बात करो, ऐसे व्यवहार में रखो, ठीक है, तो वो सारी चीजों को छोड़ करके एकदम अलग रहना चाहता है, एकदम अपने दुनिया में विलीन रहने के लिए कोशिश करता है. उसे अब क्या बोलेंगे, बोहेमियन. फिर है केकोग्राफिस्ट, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स. हम भी जो आपको हमने बोला कि आपको अपने स्पेलिंग पे ध्यान देना है, यदि आपका स्पेलिंग खराब है, आप वर्ड लिखते हो तो आपका स्पेलिंग गलत हो रहा है, दैट मीन्स आप क्या है, केकोग्राफिस्ट, ठीक है, क्योंकि आप स्पेलिंग में गंदे हैं, आपका स्पेलिंग बहुत गलत हो रहा है, तो आपको केकोग्राफिस्ट नहीं बनना है. क्या नहीं बनना है, केकोग्राफिस्ट. और सबसे पहला आप यही स्पेलिंग को लिख करके सीखेंगे केकोग्राफिस्ट का क्या स्पेलिंग होता है. फिर है कैनिबल. क्या है कैनिबल? वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश. ठीक, वो व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लेश को खाता हो उसी के ऊपर अपने जीवन निर्वाह करता हो, उसको क्या बोलेंगे, कैनिबल. बड़ा खराब हो रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, वी हैव टू लर्न दैट दिस वर्ड. सो आगे हम लोग बात करें तो आगे क्या है, फ्यूजिटिव. क्या है फ्यूजिटिव? फ्यूजिटिव क्या होता है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस. वो व्यक्ति जो जस्टिस से दूर भागा हो. बाय द वे, किसी के ऊपर केस किया गया है और उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन वो वहां पेश ना होकर के फरार है, तो उस फरार व्यक्ति को क्या बोलेंगे, फ्यूजिटिव. क्या बोलेंगे, फ्यूजिटिव, एब्सकॉन्ड, ठीक है, कोनाइजियो. या फिर अभी आप देख सकते हैं ना, एक एग्जांपल के रूप में नीरव मोदी या फिर विजय माल्या, दे आर फ्यूजिटिव बिकॉज उसे एक जस्टिस के लिए पेश होना है कोर्ट में, लेकिन वो यहां से फरार है. उसके आगे का वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है, कोनाइजियर. कोनाइजियर क्या होता है, वन हु हैज कीन नॉलेज ऑफ समथिंग. वो व्यक्ति जो किसी भी चीज के ऊपर ना अपना अच्छा खासा पकड़ रखता हो, अच्छा खासा नॉलेज रखता हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, या कोई चीज की बनाने से रिलेटेड हो, यदि उसके ऊपर उसका अच्छा खासा पकड़ है तो दैट इज वेरी, क्या है वो, कोनाइजियर है. बोलिए और इसका स्पेलिंग देख लीजिए, सी वो डबल एन ओ आई डबल एस ई यू आर, कोनाइजियर, ठीक है, जिसे पारखी व्यक्ति बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग, पारखी व्यक्ति. नेक्स्ट है सोवेनिस्ट. क्या है सोवेनिस्ट? सोवेनिस्ट क्या होता है, पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया. वो व्यक्ति जो किसी भी आइडिया को लेकर के अंधभक्त की तरह विश्वास करता हो. एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सोना, आई एम बैक. सोवेनिस्ट क्या बोले, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया. वो व्यक्ति जो किसी एक आइडिया के पीछे पूरी तरह से डिवोटेड हो, अंधभक्त हो, उसे अब क्या बोलेंगे, सोवेनिस्ट. फिर है कॉन्वेलेसेंट. क्या है कॉन्वेलेसेंट? कॉन्वेलेसेंट, कॉन्वेलेसेंट क्या होता है, पर्सन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस. कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं ना कि लंबे समय तक बीमार पड़े हैं, ठीक है, बीमार रहे हैं, और लंबे समय के बाद वो क्या है कि धीरे धीरे वापस ठीक हो रहे हैं, तो उस वक्त उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, कॉन्वेलेसेंट, ठीक है, कि वो व्यक्ति अब जो है बीमार से ठीक हो रहा है या ठीक लगभग ठीक हो चुका है, आप उसके लिए इस तरह के वर्ड यूज करेंगे. कंटेम्प्रेरीज,
कंटेम्परेरीज क्या होता है, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। जैसे अभी कुछ आप अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे तो वहां पे आप एक वर्ड लिखा हुआ देखेंगे, समकालीन। क्या देखेंगे आप? समकालीन। और समकालीन का मतलब होता है कि जिस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी सेम टाइम में एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो वो हो जाएगा समकालीन। आप मुझे सम्राट अशोक के समकालीन कोई भी एक व्यक्ति के नाम का आप कमेंट करेंगे, नाम के बारे में आप बताएंगे मुझे कमेंट में, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि सम्राट अशोक का कंटेम्परेरीज कौन था या फिर कौन है, तो आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आप ये काम जरूर करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? तो आई थिंक आप महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे, आप उसे बोल सकेंगे कि आप एक कॉस्मोपॉलिटन है, क्योंकि अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। वो व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को एक ही अपने ही कंट्री की जैसा, एक ही कंट्री की जैसा मानता हो और बोलता हो कि पूरा वर्ल्ड मेरा देश है। आपको प्राउड फील करना है कि हमारे देश के वो महान शख्सियत जिसका नाम हमने अभी लिया महात्मा गांधी, आप करीब करीब बहुत या फिर ऑलमोस्ट कंट्रीज में उसके कहीं ना कहीं एक मूर्ति तो जरूर देख लेंगे। क्योंकि वो व्यक्ति जब अपने एरा में थे, अपने उस एरा में एकदम टॉप पॉइंट पे थे, तो उस वक्त वो यही बोलते थे कि पूरा वर्ल्ड हमारा क्या है, हमारा ही देश है और हम पूरे वर्ल्ड को एक जैसा मानते हैं, कोई ना मेरा दोस्त है ना मेरा कोई दुश्मन है, सब मेरा है, सब एक समान है, ठीक है? तो उसे आप क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। साइनोसियर। साइनोसियर क्या होता है कि आप शादी में तो जाते होंगे, शादी के पार्टी में, तो आप वहाँ पे देखे होंगे कि कुछ जो ब्यूटी होती है या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े अच्छे से बढ़िया से कपड़े पहन करके एकदम आते हैं और आई थिंक हमको लगता है कि ऑलमोस्ट लोग उसको घूर घूर कर देखते हैं कि वाओ कितना अच्छा सा कपड़ा पहना हुआ है, एकदम लग रहा है। या फिर आप वो उसको छोड़िए, आप दुल्हा को देख लीजिए, दुल्हन को। ऑलमोस्ट लोग शादी के पार्टी में दुल्हा और दुल्हन को देखने के लिए जाता है और वही उसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो साइनोसियर उसी व्यक्ति को बोलेंगे, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके अट्रैक्शन का सेंटर, ठीक है? तो शादी के पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है? तो आपके दुल्हा और दुल्हन। अब जैसे देखिए कि एक मोदी जी का ना कहीं पे रैली है या फिर बड़ा सा एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, तो उस प्रोग्राम में जो ऑलमोस्ट लोग जाते हैं, वहाँ पे जमा होते हैं, उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दैट मीन साइनोस्फीयर क्या होता है? मोदी जी होते हैं। तो साइनोस्फीयर का मतलब होता है कि वो चीज जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का काम करे। तो अभी तक मैंने 39 वर्ड्स के बारे में सीखा, आगे सीखते हैं 40 नंबर वर्ड जो कि क्या है? सिनिक। बोलिए मेरे साथ, सिनिक। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर। वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए सारा काम करता है, ठीक है, वो बस दिखाने की कोशिश करता है कि हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्वार्थ की भावना है। या ऑलमोस्ट लोग जैसे जो भी हमारे देश के युवा हैं या फिर और भी लोग हैं, ये सोचते हैं कि सरकार जब सत्ता में है तो वो अपने फायदे के लिए काम करेगी, अपने मतलब अपना घर वो बढ़िया करेगा। या फिर अभी देखिए ना, कुछ दिन पहले का एक जो फेनोमेना है या फिर इंसिडेंट है आपका श्रीलंका का, वहाँ के लोग वहाँ के सरकार के ऊपर, और वहाँ के सरकार ने गलती भी किया कि वो जितने कुछ भी काम किया या फिर जितने भी उसके मिनिस्टर्स था वो सारे एक ही फैमिली के थे, वो सारे लोग अपने ही बेहतर के लिए काम कर रहे थे। तो उस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? सिनिक, ठीक है? तो ये रहा आपका सिनिक का मतलब। फिर है डेबोनियर। डेबोनियर क्या होता है? पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। वो पर्सन जो एकदम लाइट हार्टेड हो, पॉलिश्ड हो, उसके बात हमेशा आपको उसके तरफ अट्रैक्ट कर ले, वो लगे कि हाँ अरे ये तो बंदा क्या बात है, लजीज है, तो उसे बोलेंगे डेबोनियर। फिर डेमागॉग। डेमागॉग क्या होता है? पर्सन हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी। वो पर्सन जो अपने बात से, अपने वो ओरेटरी जो उसका बात होगा, स्पीच होगा,
उसे पूरे अपने फॉलोअर्स को अपने तरफ कर लेगा, उसे अब क्या बोल देंगे? डेमागॉग। हाँ, समझ गए एग्जांपल ना, पीएम मोदी। और यदि मुझे बोला जाए तो एक ऑरेटर के रूप में वो द बेस्ट है, बिकॉज कि जब वो बोले ना, जब वो बोल रहे होते हैं तो पूरे जो जनता उसको सुन रही होती है, उसके मन में वही व्यक्ति समा जाता है, लगता है कि दुनिया में जो कि कोई एकदम बेस्ट हो सकता है वो यही है। तो वो किस तरह के पर्सन है मोदी जी? डेमागॉग पर्सन है, क्योंकि वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपने बातों से। और मैं ये होप करता हूँ कि आप सब भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सोचेंगे, ऐसा ही करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि दुनिया में आती है, आपको कभी भी याद रखा जाएगा, ठीक है, किसी के आदर्श में बसेंगे तो तभी वो पॉसिबल हो सकता है जब आप उसे अपने बातों से परसुएड कर पाएंगे, मना पाएंगे, आपका बात उसके दिल को छुएगा तब। तो आपके बात में वो मिठास होनी चाहिए, दैट मीन्स कि आपको कैसा काम करना है, डेमागॉग जैसा आपको बिहेव करना है। डिलिटेंट, डिलिटेंट क्या होता है? अ पर्सन हु सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट बट हु इज नॉट इन्वॉल्व विथ इट इन अ सीरियस एंड डिटरमाइंड वे। आई थिंक हमको लगता है कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे तो नहीं है, नहीं ना? हाँ, क्योंकि डिलिटेंट वो पर्सन होता है जो दिखाता है कि मैं तो इस सब्जेक्ट में रुचि रखा हूँ, ठीक है, रुचि रखता भी हूँ, मुझे ये पढ़ना पसंद आता है, बस बोल दिया। लेकिन जब वो पढ़ने का वक्त आता है तो वो व्यक्ति वहाँ से दूर हो जाता है, उसको बड़ा सीरियस तरीके से पढ़ता नहीं है। तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? डिलिटेंट। तो आप लोग जब ये सोच लिए कि मुझे कॉम्पिटिशन में एक बढ़िया सा जॉब होल्ड करना है, गेन करना है, ठीक है, आप इसमें रुचि भी रखते हैं कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है या फिर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट को कायम करना है, तो आपको डिलिटेंट तो नहीं बनना पड़ेगा। क्योंकि डिलिटेंट बोल मतलब सब्जेक्ट के बारे में हम बोल दिए कि हमको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अधिक कंपटीशन वाले इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो आपकी नींद, आपकी चैन, ये सारा दूर रहना चाहिए, ठीक है। आपको पागल होकर के पढ़ना है, पागलपन जैसा पढ़ना है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे तभी आप सक्सेस की ओर उतना नज़दीक जाएंगे। तो ये बात होता है एक जो एस्पिरेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा होगा या किसी भी तरह से। तो डिलिटेंट का मतलब क्या हुआ कि अ पर्सन हु सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट बट हु इज नॉट इन्वॉल्व विथ इट इन अ सीरियस एंड डिटरमाइंड वे। नेक्स्ट है इगोइस्ट। इगोइस्ट क्या होता है? लवर ऑफ वन सेल्फ। हाँ, वी हैव टू बी एन इगोइस्ट, क्योंकि एक इगोइस्ट ना अपने बारे में अपने से ज्यादा, या फिर ये बोले कि अपने बारे में सबसे ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहता है, अपने आप को बहुत ज्यादा लव करता हो, अपने आप को वो सच में बेहतर मानता हो। और जब आप अपने आप को बेहतर मान लेंगे तो दुनिया भी आपको बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट करेगी। लेकिन जब आप ये सोच लेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे पास इस चीज़ का कमी है, मेरे पास उस चीज़ का कमी है, तो आप सच में अपने आप ही पहले तो खुद को हार मान लिए, और जैसे आपने हार मान लिया तो दुनिया भी आपको हार से लेकर के उस गड्ढे तक धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, जहाँ आपका नामो निशान भी नहीं रहेगा, आपके नाम भी लोग भूल जाएंगे। इसलिए आपको इगोइस्ट बनना है, लोग आपको पसंद करें या ना करें, आप अपने आप को जरूर पसंद करें। एगोटिस्ट। एगोटिस्ट क्या होता है? वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट। जस्ट रिलेटेड वर्ड है, दिखने में एक जैसा लग रहा है, करीब करीब थोड़ा सा स्पेलिंग का चेंज है, बस यहाँ पे टी और यहाँ पे टी नहीं था। एगोटिस्ट का मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपने सक्सेस के बारे में हर जगह पे बात करते चले कि देखो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने कार खरीद लिया, मैंने घर बना लिया, तुमने क्या किया। तो उस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? एगोटिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इस वंडरफुल दुनिया में ना ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बारे में बताते जाते हैं, जैसे सेखी बखारना बोलते हैं ना, जो बार बार अपने बारे में बात करते हैं। चलिए फिर है एपिक्योर। एपिक्योर क्या होता है? वन हु इंजॉयज हाई क्वालिटी फूड एंड ड्रिंक। वो व्यक्ति जो अच्छी अच्छी खानों के लिए अपने पैसे वेस्ट करता है, अपने आप को वहाँ पर इंजॉय करता है, ठीक है, ड्रिंक्स लेने में, बढ़िया बढ़िया ड्रिंक्स लेने में, उस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? एपिक्योर।
लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो अच्छे डिश ऑर्डर करते हैं, तो उन सारे व्यक्ति को आप एपिक्योर बोलेंगे, लेकिन जो ठेले पे खाते हैं उसके लिए आप एपिक्योर का यूज नहीं कीजिए, नहीं करेंगे, ठीक है। आगे है फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है? वन हार्ड टू प्लीज, वो व्यक्ति जिसे आप खुश नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल होता है आप उस व्यक्ति को खुश करना, समझ गए, ठीक है, आप लोग बड़े चालाक। तो फास्टिडियस क्या हो गया? वन हार्ड टू प्लीज, ठीक। आप कमेंट करेंगे कि ऐसे आपके सर्कल में कौन व्यक्ति हैं जो फास्टिडियस है, जिसे खुश करने में आपकी काफी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन फेट, जो अपने किस्मत के ऊपर डिपेंड रहता है कि जो होगा अच्छा होगा, जो लिखा होगा वही होगा, तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? फैटलिस्ट, जो अपने किस्मत के ऊपर विश्वास करता है कि जो किस्मत में होगा वही होने वाला है। भाई इस किस्मत को आप लिख रहे हैं, आप जितना मेहनत करेंगे ना उतना ही आपके पास वो चीजें वापस आएगी। इसलिए बोला जाता है कि आप जब भी इन्वेस्ट करो तो एकदम दिल से करो, करते चलो, क्योंकि नेचर का ये रूल है, नेचर जब भी आपको उस चीज के बारे में उस चीज का वापसी करता है तो वो कैपिटल में करेगा। आप सिंपल इंटरेस्ट और कैपिटल इंटरेस्ट पढ़े होंगे ना, तो वहां पे वो वर्ड यूज किया गया कि वो आपको जब भी वापस करेगा तो कैपिटल में करेगा, मतलब आप जो कुछ भी आज इन्वेस्ट किए हैं उसके फायदे, उस फायदे के ऊपर फायदे, इस तरीके से आपको वो वापस नेचर करेगी। तो आपको अपने चीजों को बेहतर तरीके से 100% ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, आपको देती चलना है। फिर है अगला वर्ड गवर्नमेंट, अ लवर ऑफ गुड फूड, जो अच्छे खानों के लिए ललायत होता है, उत्सुक रहता है, और रहना भी चाहिए क्योंकि आपका हेल्थ आपके फूड डिटर्म मतलब उसको बताता है कि आप किस तरह का फूड ले रहे हैं, उस तरीके से आपका हेल्थ भी होगा। तो गवर्नमेंट होता है अ लवर ऑफ गुड फूड, जबकि गवर्नमेंट होता है कोनाइजियर ऑफ फूड, मतलब जो फूड को खाता भी हो उसको इंजॉय भी करता हो, साथ में उस फूड के बारे में अच्छा खासा ध्यान रखता हो, अच्छा खासा नॉलेज रखता हो कि आखिर ये फूड बना कैसे, इसका क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, कैसा हमारे हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट है, तो उसे बोलेंगे हम लोग गवर्नमेंट, या वो खाना बना कैसे उसके बारे में बात करता है। हेडोनिस्ट क्या होता है? वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज द चीफ गुड, वो व्यक्ति जो सोचता है कि बस आराम ही तो जिंदगी है, काहे का हम इतना खटे, काहे का हम इतना उलझे, ठीक है, काहे का इतना मेहनत करे, तो उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? हेडोनिस्ट, जो सिर्फ प्लेजर को ही चीफ मानता हूँ, भाई मुझे बस खाना दो, ठीक है, आराम से हमको सोना है, ये करना है बस। हेरेटिक, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, वो व्यक्ति जो कोई धर्म के विपरीत काम करे, उसके खिलाफ काम करे, उसे क्या बोलेंगे आप? हेरेटिक, ठीक है। सारे वर्ड का आपको रिवीजन करना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना भी है, नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि यहाँ पे हम जिन सारे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे दैट आर वेरी रिलेवेंट टू योर एग्जाम, सो आपको इन सारे वर्ड्स पे अच्छा खासा फोकस रखना है। ये ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं, आपको SSC के हर साल के एग्जाम के किसी ना किसी शिफ्ट में इनमें से बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, वो व्यक्ति जो हर्ब के ऊपर यानी साग के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, ठीक है, उन्हीं सारी चीजों के ऊपर अपने आप को बढ़िया से मतलब सर्वाइव कर रहा हो, वो आपके नॉनवेज नहीं खाता हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। तो आज के लिए इतने सारे वर्ड्स थे, 53 लगभग। हम लोग पहले के क्लास में 19 देखे थे और आज की क्लास में 19 के बाद हम लोग कहाँ तक पहुँचे? 53। इन सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज करना है, ठीक है, लिखना है, एक बार इसको बढ़िया से रिमाइंड कर लीजिए सारे वर्ड्स को। तो आज के लिए बस इतना ही वर्ड।